ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। कोरोना वायरस के चलते देश में लागू लॉकडाउन का असर हर तरफ देखने को मिल रहा है। लोगों के दैनिक जीवन पर असर डालने वाला लॉकडाउन अब मृत व्यक्तियों के संस्कार में भी बाधा डाल रहा है। यही कारण है कि एटा जिला मुख्यालय में मोक्ष धाम के अंदर करीब 40 मृत व्यक्तियों की अस्थियां अपने संस्कार पूर्ण होने की राह देख रही हैं। सर, लॉकडाउन लगा तब नहीं तो रोज 3, 2, 3, 1, 5, 6 इसे बॉडी आते, अस्थियां कोई लेके नहीं जा रहे और ये अस्थियां मेरे ऊपर छोड़ दी जाते, बता के जाते। मैं सब अस्थियां बिल के मटका पे रख के और नाम पता लिख के मैं रख देते यहाँ पे। अच्छा, क्यों नहीं ले जा रहे अस्थियां? ले जा रहे नहीं, लॉकडाउन लगा है इसलिए डर से कोई नहीं लेके जा रहे। अच्छा, वैसे अगर लॉकडाउन ना होता तो कितने समय में ले जाते हैं लोग अस्थियां? लॉकडाउन जब था नहीं तो 13वीं की पहले भी ले जाते, 13वीं की बाद में भी ले जाते सब। दरअसल जिले में लॉकडाउन लगने के बाद जिला मुख्यालय स्थित मोक्ष धाम में करीब 40 मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार हुआ, लेकिन लॉकडाउन होने के चलते इन अस्थियों को गंगा जल में इनके परिवारजन प्रवाहित नहीं कर सके। मैं मतलब कि 6 तारीख को होली गए तो उनकी अस्थि इसलिए नहीं हो पाया कि लॉकडाउन की वजह से सारी अस्थियाँ वहाँ रखी हुई हैं, इस वजह से गंगा जी उनको नहीं कर सके। तो जब लॉकडाउन खुले तभी कर सकते हैं, सबसे पहले तो कर नहीं सकते। तो मेरी आशा है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे जिससे आत्मा को शांति के लिए अस्थि विसर्जन उनका हो सके। मेरे भाई की डेथ 4 अप्रैल को सुबह हो गई थी, लेकिन जो लॉकडाउन की चल रहा है और प्रशासन से बड़ा उम्मीद कर रहे थे कि अस्थि विसर्जन से संबंधित कम से कम कुछ परमिशन मिल जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। जो हम लोगों के सनातन धर्म में और हिंदू कल्चर के हिसाब से हम लोगों को डेट दी गई थी 10 तारीख के लिए, लेकिन वो भी निकलने के बावजूद भी अभी तक नहीं हो पाया। मैं चाह रहा हूँ कुछ ऐसा प्रशासन व्यवस्था कर दे जिससे कम से कम जो अस्थि विसर्जन वाला एक कार्यक्रम है वो संपन्न हो पाए। तो अभी तक अस्थियाँ रखी हुई हैं? अभी तक अस्थियाँ रखी हुई हैं। बता दें, गंगा नदी एटा जिले से करीब 60 किलोमीटर उत्तर दिशा में पड़ती है। 60 किलोमीटर तक का सफर लॉकडाउन में नहीं हो सकता, इस वजह से ये अस्थियां अभी तक मोक्ष धाम में ही पड़ी हैं। मोक्ष धाम की रखवाली करने वाले बंगाली बाबा की माने तो वह सभी अस्थियों के कलश पर लाल कपड़ा लपेटकर फुंसियों के परिवारजन के नाम व मोबाइल नंबर लिखकर रखे हुए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद ये अस्थियां उनके परिवारजनों को सौंप दी जाएंगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकास दुबे की खास रिपोर्ट।